चलिए तो हम लोग देख रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा में माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो ये 1853 में। अगला है, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक में। अगला है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। अगला है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अगला, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? वर्नी ने। अगला है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अगला है, किस शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये था वाजिद अली शाह। अगला है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शेरो वस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी को की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। अगला है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम का सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? दारण्यक उपनिषद में। अगला है, संगम युग में युद्ध का प्रसिद्ध कारण क्या था? पशुओं की चोरी। अगला है, मुगल भवनों की दीवारें आदि पर शिल्पित फूल पत्रियों पर अर्घ बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ायु कला को पित्रा दौरा दौरा कहा जाता था? किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रा दौरा का व्यापक रूप से किया गया था? आगरा में इत्माद उद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रा दौरा का व्यापक रूप से किया गया था। नूरजहां ने अपने पिता इत्माद दौला का ये मकबरा बनवाया था। अगला, कृत्य कल्प तरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद गहरवाड़। अगला, एक प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अगला है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खान के हाथों में। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? फिट्स इंडिया एक्ट। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्णप्रथम ने। अगला है, मौर्य काल में मारग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। अगला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी। अगला है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ का अधीन था। अगला है, किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करते थे? शिवाजी के काल में। अगला है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। अगला है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। अगला है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। अगला है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यौनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। अगला है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में झोम झोम किसको
किसको कहा जाता था? तो ये लिनन के कपड़े को। अगला है, बलवन की ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? सैन्य विभाग। अगला है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो ये था बहमनी राज्य। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो ये था नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला है क्वेश्चन हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अगला, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेष्टा। अगला, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बौद्ध संघ धम्म। अगला, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। अगला, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि की थी दी थी? तो शाहजहां। अगला है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब को। अगला है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला है, केलाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किसके लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। अगला है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हरटाग समिति की। अगला है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के। अगला है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जवालोपनिषद में। अगला, सूत पिता किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ था? बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से बौद्ध का था ये, ठीक है, सूत पिता बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला है, बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। अगला है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। अगला है, दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद किसकी कृति है? अलबरनी की। अगला है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम इत्मादौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूर जहां की गुट के। अगला है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? आजाद शत्रु। अगला है, भारत में पिछले सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतसलाका। अगला, इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतन जारी किए? इल्तुतमिश। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला, साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट इटली। अगला, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के। अगला, दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सूत पिटक। अगला, अशोक काल में आहूत बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मुगलीपुत्तिस। अगला, वन माली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। अगला, योनिका किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों के पटाक्षेप के लिए। अगला है, समुद्रगुप्त के अलावा प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। अगला है, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उद्धार गुप्त काल के किस चरण में हुआ? अंतिम चरण में। अगला, इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरो। तृतीय हिंद अमीर खुसरो को बोला जाता था।
अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। अगला है, दक्षिण के अलावार तथा न्यू नार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु तथा शिव के। अगला है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। अगला है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में। अगला है, ऋषभ देव ऋग्वेद में किन दो तीर्थ करों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव देव और अष्टी नेमी का। अगला है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख राग थे? कपालिक संप्रदाय। अगला है, संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान विष्णु कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? मेव देवता से। अगला है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के चार वर्ग थे? नारद स्मृति से।